YouTube पे एक चैनल है, उसका नाम है मैजिक फिंगर्स आर्ट। उस चैनल पे अगर आप जाओगे, उनकी वीडियोज अगर आप देखोगे तो उन वीडियोज पे मिलियंस ऑफ व्यूज हैं और उस चैनल पे भी सब्सक्राइबर्स भी मिलियंस में, ठीक है। तो वो जो चैनल है वो किड्स कैटेगरी के अंदर आता है। और उस चैनल पे होते क्या हैं, उस चैनल पे ड्राइंग्स की वीडियोज होती हैं, ठीक है। वो ड्राइंग्स की वीडियोज किस टाइप की होती हैं और उस तरह के वीडियोज अगर आप भी चाहते हो क्रिएट करो तो उसके लिए क्या स्टेप्स लेने होंगे और इस तरह के चैनल को क्रिएट करके आप पैसे कैसे अर्न कर पाओगे, वो सब कुछ इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। देखिए, अगर आप उस वीडियो को देखोगे तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि उस वीडियो के अंदर कोई भी एक पिक्चर होती है। पिक्चर इट मीन्स कि कोई बर्ड की पिक्चर हो गई, किसी एनिमल का पिक्चर हो गया, आइसक्रीम की पिक्चर हो गई, किसी भी तरह की कोई इमेज होती है, ठीक है। अब उस इमेज के अंदर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि कलर्स फिल किए जाते हैं, ठीक है। रेड, ग्रीन, ब्लू, जिस भी टाइप के वो कलर्स हों उसके अंदर फिल किए जाते हैं। और वो जो पिक्चर्स होते हैं उनको पेंसिल से या फिर स्केच पेन से पहले क्रिएट किया जाता है, फिर उसमें कलर्स भरे जाते हैं। और उस पिक्चर में आपको थोड़े बहुत एनिमेशंस भी दिखेंगे, मतलब कि एनिमेशंस ज़्यादा नहीं होते हैं बट थोड़े बहुत एनिमेशंस होते हैं। जैसे कि मान लो कि उस वीडियो में किसी बर्ड की पिक्चर बनाई गई है तो जो बर्ड की आँख होगी वो एनिमेट हो रही होगी उस वीडियो के अंदर। ऐसे ही वीडियोज उस चैनल पे होते हैं जिन पे मिलियंस ऑफ व्यूज हैं और उससे अच्छी खासी अर्निंग भी होती है। नेक्स्ट जो स्टेप्स होते हैं उस वीडियो के अंदर, साउंड इफेक्ट्स होता है, बैकग्राउंड म्यूजिक होता है। इसके साथ साथ जो जिस तरह के पेज पे उस ड्राइंग को बनाया जाता है उस पेज को भी लास्ट में पूरा का पूरा कलर कर दिया जाता है, ठीक है। और उस चैनल के मैंने कुछ वीडियोज़ को देखे हैं कि जिसमें उनका जो ऑब्जेक्ट है, मतलब कि मान लीजिए कि उन्होंने बटरफ्लाई की कोई वीडियो बनाई है तो लास्ट में उस बटरफ्लाई को भी एनिमेट करके उन्होंने उड़ते हुए दिखाया है। ये सारी चीज़ें हैं उस वीडियो के अंदर, ठीक है। और सबसे खास उस वीडियो का जो है वो है थंबनेल, क्योंकि थंबनेल के थ्रू ही लोग वीडियोज पे क्लिक करते हैं। तो जो थंबनेल है, थंबनेल पे डायरेक्ट उस ड्राइंग की इमेज है, ठीक है, और साइड में कलर्स लगाए गए हैं, बस वो वीडियो कंप्लीट हो गई। तो मैंने जो बातें अभी एक्सप्लेन करके आपको बताई हैं, इसको करना कैसे है प्रैक्टिकली वे में, वो भी मैं अभी आपको वन बाय वन करके बताऊंगा। लेकिन उससे पहले और भी कुछ खास बातें हैं इस तरह के चैनल से रिलेटेड जो अभी आपको जानना होगा, तो इसलिए वन बाय वन करके वो सारी चीज़ें पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात कि इस तरह की वीडियोज को आप कैसे क्रिएट करोगे, तो आप दो स्टेप्स में कर सकते हो। अगर आप चाहो तो सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स लगाओ, बात खत्म। या फिर आप दूसरा तरीका यूज कर सकते हो कि बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगाओ, साउंड इफेक्ट्स भी लगाओ, इसके साथ साथ वॉइस ओवर भी करो, यानी कि अपनी थोड़ी बहुत आवाज़ भी उस वीडियो के अंदर अप्लाई करो। ये आपकी चॉइस है, आप बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ भी जा सकते हो या फिर वॉइस ओवर भी कर सकते हो, दोनों ही कंडीशन में आपके चैनल मोनेटाइज होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपके पास इक्विपमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए इस तरह के वीडियोज को क्रिएट करने के लिए। तो आपका स्मार्टफोन होना ही चाहिए, ठीक है। एक ट्राइपॉड जरूरी है, ट्राइपॉड तो एक होना ही चाहिए। ट्राइपॉड्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप ट्राइपॉड देख सकते हो, ठीक है। तो ट्राइपॉड चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए, लाइट का अरेंजमेंट चाहिए। अगर आप चाहो तो एक दो एलईडी बल्ब भी जला लोगे ना जहाँ पे आप वीडियो शूट कर रहे हो। मान लीजिए कि आपके पास टेबल ही है, टेबल पे रख करके ही वो सारी चीज़ें आप कर रहे हो तो उससे भी वो चीज़ें हो जाएंगी। मतलब एक बल्ब भी अगर आप वहाँ पे जला लेते हो थोड़ा सा नज़दीक में करके, उससे भी अच्छी खासी रोशनी मिल जाएगी उस वीडियो के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा इक्विपमेंट होगा वो होगा माइक। अगर आप अपनी आवाज़ दोगे उस वीडियो के अंदर तो माइक चाहिए, अगर नहीं दोगे तो ऐसे ही काम चल जाएगा। और इसके साथ साथ जो सबसे खास जो इक्विपमेंट चाहिए इस तरह की वीडियोज़ को क्रिएट करने के लिए वो हो गया ड्राइंग टूल, यानी कि ड्राइंग बनाने के जो कलर्स, स्केच पेन हो गए, जो पेपर्स हो गए, वो सारी चीज़ें हमें चाहिए, तभी हम इस तरह के वीडियोज को क्रिएट कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस तरह के वीडियोज को क्रिएट करने से पहले आपको अपने माइंड में सोच करके रखना है कि आप जो वीडियो बनाओगे तो उसमें कौन सी इमेज बनाओगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपने सोचा कि आज चलो मैं एक डॉल की पिक्चर बनाता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में किसी एलिफेंट की बनाई, नेक्स्ट वीडियो में किसी फिश की बनाई, फिर नेक्स्ट वीडियो में एक फुटबॉल की इमेज बनाई, उसको कलर किया। तो इस तरीके से आपको सोचने हैं, मतलब कि बच्चों को किस तरह के ड्राइंग्स पसंद आते हैं, बर्ड्स, घर, ये इस तरह की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा उनको पसंद आती है। तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, कोई भी एक इमेज सोच लिए कि हाँ चलो इसका आज ड्राइंग करेंगे, इसका आज स्केच बना करके कलर करेंगे, सोच लो आप उसको स्केच करो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको टॉपिक डिसाइड कर लेना है कि आज किसकी स्केच बनाएंगे, किसकी ड्राइंग बनाएंगे। मान लीजिए कि आपने फिश की ही डिसाइड कर ली, आज हम एक फिश की यानी कि एक मछली की ड्राइंग बनाएंगे, वो चीज़ें हमने डिसाइड कर ली। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आप क्या करोगे, एक A4 पेज ले लोगे, जो जीरोक्स का पेज आता है वो ले लो या फिर ड्राइंग की कॉपी परचेज कर लो, जिस भी तरीके से आप कर सकते हो। मैं बस एग्जांपल के तौर पे आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, आपके लिए जो सूटेबल हो, जो परफेक्ट हो उसको आप सिलेक्ट करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने जीरोक्स वाला पेपर ही ले लिया, अब उस पर क्या करोगे,
पेंसिल से आप उसकी इमेज बना लोगे अच्छे तरीके से। और जो इमेज भी बनाओगे ना, मान लीजिए आप फिश बना रहे हो या फिर एलिफेंट ही आप बना रहे हो, तो एलिफेंट की जब पिक्चर आप क्रिएट कर रहे होगे तो वो सारे सीन्स आपको रिकॉर्ड करने हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि एलिफेंट बन करके कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद क्या करोगे, आप उसको कलर से फिल करोगे। तो जो जो कलर्स हैं वो भी आपके पास रहने चाहिए, उनको उठाया बारी बारी से अच्छे से उसको कलर फिल करते जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होते जा रही हैं कंटिन्यू। ये सारी चीज़ें कर ली, रिकॉर्ड कर ली आपने, उसके बाद उस वीडियो को एडिट करना है। तो एडिटिंग में क्या करोगे, आप थोड़ा सा फॉरवर्ड फास्ट करोगे। मान लीजिए कि आप कोई भी इमेज बना रहे हो सकता है कि कई बार कोई ऐसी ड्राइंग आप बनाओगे जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा फास्ट एंड फॉरवर्ड करना होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें करेंगे, इसके साथ साथ उसको हम एनिमेट भी करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपने कोई मछली की पिक्चर बनाई, तो मछली की जो आँख होगी उस आँख को हम पूरी वीडियो में एनिमेट करके दिखाएंगे। तो वो कैसे दिखाएंगे वो भी मैं अभी इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी आपको एक स्टेप बताना चाहता हूँ, वो जो कि वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड है, वो ये है। मतलब मान लीजिए कि आपने कोई फिश बनाई या फिर कोई बटरफ्लाई बनाई या फिर कोई भी आपने ऐसा एनिमल या बर्ड बनाया जिसमें आँख बनाया है आपने, ठीक है, तो उसको एनिमेट करना है। क्योंकि जो इस तरह के चैनल है उसमें ज़्यादातर वीडियोज ऐसी हैं, तो उसको एनिमेट करना है। तो उनकी जो वीडियोज है, यानी कि जो मैजिक फिंगर्स आर्ट चैनल की जो वीडियोज है, उन्होंने सॉफ्टवेयर का यूज करके वो सारी चीज़ें की हैं, बट हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है या फिर उसके बारे में उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसका शॉर्टकट जो तरीका है उसके थ्रू ये सारी चीज़ें करेंगे हम, ठीक है। तो यूट्यूब पर या फिर आप किसी भी वेबसाइट पर जाओगे तो ग्रीन स्क्रीन की वीडियो फुटेज होती हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि आपने यूट्यूब ओपन किया या फिर गूगल पर ही डायरेक्ट गए, तो आप लिखोगे ग्रीन स्क्रीन आई वीडियो फुटेज, ठीक है। उसको आप डाउनलोड कर लोगे, यूट्यूब से भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे। और यूट्यूब से कैसे डाउनलोड करना होता है वो मैं तो आपको इस वीडियो में बता नहीं सकता क्योंकि वो इलीगल हो जाएगा, बट आपको बहुत सारे सोर्सेज मिल जाएंगे कि कैसे डाउनलोड करना होता है। वो सारे स्टेप्स देख करके आप वीडियोज डाउनलोड करना सीख लेना। और उस तरह के वीडियोज पे कॉपीराइट क्लेम स्ट्राइक ऐसा कुछ नहीं होता, 5-10 सेकंड्स की वीडियोज होती हैं, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना। ये बातें आपने समझ ली। यहाँ पे एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अपना एक वीडियो एडिटिंग का कोर्स लॉन्च करा है बहुत ही कम प्राइस में। अगर आप चाहो तो वो सारी चीज़ें सीख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप अपने स्मार्टफोन से VN एडिटर के अंदर बहुत ही अच्छी लेवल की वीडियो एडिटिंग करना सीख सकते हो। एकदम से बेसिक स्टेप्स हैं और एकदम से सिंपल लैंग्वेज में मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, तो मेरे कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब ये सीखते हैं कि इस तरह के वीडियोज को कैसे रिकॉर्ड करना है और कैसे इन्हें एडिट करना है। तो अब आपको सबसे पहले करना क्या है कि इस तरह के पेपर्स आपको लेने हैं, जैसे ये A4 पेपर्स मैंने ले रखे हैं जीरोक्स वाले। अगर आप चाहो तो ड्राइंग बुक भी यूज कर सकते हो, जो भी आपके लिए परफेक्ट हो वो ले लेना। जैसे कि ये मेरे पास 2 पेज हैं, तो इस तरीके से हमने पेज रख दिया, मतलब कि जहाँ पे भी आपको वीडियो शूट करनी हो वहाँ पे इस तरीके से कैमरे में या फ्रेम में मिला लेना कि सब कुछ सही से आ रहा है कि नहीं। क्योंकि कैमरा, जब आप अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करके ट्राइपॉड पे जब इस तरीके से सेट करोगे अच्छे तरीके से, तो उसमें आपको देख लेना है कि कैसे सब कुछ आ रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने पेज यहाँ पर रख दिया, अब क्या करना, आप एक कलर से लेना। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे कुछ कलर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, कुछ कलर्स हैं मेरे पास, तो ये कलर्स मैंने ले लिए। तो आपको ये जो कलर्स हैं, कलर्स आप चाहो तो पेपर के ऊपर भी रख सकते हो या फिर कहीं साइड में भी, और इसको आप इस तरीके से सजा करके रखना ताकि आपकी वीडियो में थोड़ी सी अच्छी लगे, ठीक है। और एक बार में आपको क्या करना है कि मतलब इतने कलर्स हैं मेरे पास, तो ज़रूरी नहीं कि सारे यही कलर्स यूज करोगे आप। इनमें से मान लीजिए कि आप जो भी ड्राइंग बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग मान लीजिए यही 4 कलर परफेक्ट हैं, तो 4 कलर ही रखना। और इसके बाद एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि जो कलर्स हैं आप इस तरह के कलर्स यूज करो, या फिर जो लिक्विड फॉर्मेट में जो कलर्स होते हैं, या फिर आपके लिए जो भी बेहतर कलर हो कोई भी कलर यूज कर सकते हो, ठीक है। मैंने पेंसिल वाले स्केच पेन लिए हैं बस एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए मैं जो ड्राइंग बनाऊंगा उसमें मुझे यही 4 कलर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे इस तरीके से ये 4 कलर्स रखूंगा इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे रख दिया। अब मुझे जो भी ड्राइंग बनाना होगा तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक पेंसिल रखूंगा अपने पास। एक पेंसिल रख सकते हो आप या फिर कोई स्केच पेन आप रख लो, उसके थ्रू ये चीज़ें आप कर लोगे, ठीक है। तो मैंने एक पेंसिल रखा। अब आपने जो भी ड्राइंग डिसाइड किया हुआ है, आपने जो भी चीज़ें बनानी है, जैसे कि मछली बनाना हो, कोई चिड़िया बनानी हो या फिर कोई भी चीज़ बनानी हो, तो उसका स्केच यहाँ पर आप आराम से ड्रॉ करोगे, ठीक है, जो भी कुछ भी बनाना हो। तो जैसे सपोज करो मेरी उतनी स्किल्स इतनी अच्छी है नहीं ड्राइंग में कि मैं उतना बेहतर कुछ भी क्रिएट कर पाऊँ, बट मैं ऐसे ही रैंडमली कुछ भी बना करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, इस तरीके से ट्रायंगल बनाया, ठीक है। एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि जब आप ड्राइंग कर रहे होगे तो हो सकता है कि बहुत बार चीज़ें गलत हों, तो आप इरेजर पास में रखना इरेज करने के लिए चीज़ों को, और जब वो इरेजर वाले जो सीन्स होंगे वो जब वीडियो एडिट आप करोगे तो उस टाइम उसको कट करके निकाल देना, ठीक है, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये चीज़ मैंने अभी ड्रॉ करी और ये मुझे लग रहा है कि ये गलत हो गया, तो इसको मैं यहाँ से इरेज भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो सिंपल से स्टेप्स हैं, जैसे मैंने ये करा
ठीक है। और ये करने के बाद इसके बाद यहाँ से मैंने सीधा इस तरीके से खींचा, इस तरीके से एक लाइन खींची। मैं बस एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मेरे से अच्छे ड्राइंग आपको आते होंगे, अगर आपको मेरे से बेहतर ड्राइंग आता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे मैंने कुछ बना लिया, मान लीजिए कि ये मेरी ड्राइंग कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो अब ये ड्राइंग जो कंप्लीट हुई है, मुझे इसमें आँखें भी लगानी है। सपोज कीजिए कि यहाँ पर मुझे दो आँखें लगानी है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो आपको जो आँख वाला जो स्पेस होगा, आप कोई भी चीज़ बनाओगे, कोई बर्ड बनाओगे, कोई एनिमल बनाओगे या कुछ भी बनाओगे, तो आँख वाले स्पेस को अगर आप एनिमेट करना चाहते हो तो आप आँखें मत बनाना, मतलब इस तरीके से करके मत बनाना, उसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देना, ठीक है। और अगर आँखें आप चाहते हो मतलब एनिमेट ना करो, उतना झंझट कौन करे, तो बस तो आप वो कर देना, ठीक है। जैसे मुझे यहाँ पे आँखें मैं जब अपनी वीडियो को एडिट करूँगा उस दौरान लगाऊंगा, तो मैं इस स्पेस को ऐसे ही छोड़ दूँगा, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। अब वहाँ पे अब क्या करूँगा, मेरे पास यहाँ पे इतने सारे कलर्स हैं, मुझे जो कलर सही लगे उसको इस तरीके से उठाना है, और उस हिस्से को जिस हिस्से में जो कलर चाहिए आपको वो आप फिल कर सकते हो। जैसे मुझे इस हिस्से में इस कलर से इसको फिल करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे वो कलर फिल करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये कलर फिल किया। अब मान लीजिए कि अगर ऑरेंज कलर से मुझे इस पूरे स्पेस को कलर करना हो तो मैं पूरे स्पेस को कलर करूँगा, और अगर मुझे कलर चेंज करने हो तो मैं जो भी कलर मुझे अच्छा लगे उसको सेलेक्ट करके इस तरीके से उसको कलर करूँगा। और एक बात और, मैंने जो ड्राइंग बनाई है बहुत ही छोटा बनाया है, ठीक है। ये जो पेज है इतना बड़ा है, तो कभी भी आप कोई भी ड्राइंग बनाना तो एटलीस्ट इतना स्पेस लेकर के बनाना, मतलब पूरे स्पेस में, ठीक है, ताकि वो ड्राइंग बड़ी बने और आपकी वीडियो में उसका आउटपुट बहुत ही अच्छे तरीके से आए। बातें आप पहले समझ लेना, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैंने एक ग्रीन कलर उठाया, ग्रीन कलर से भी यहाँ पे इसको मैं ग्रीन कलर से कलर कर देता हूँ, ठीक है, साइड से इस तरीके से, ठीक है, ये कर दिया मैंने। मैं बस बता रहा हूँ आपको, चीज़ें समझा रहा हूँ, बाकी चीज़ें आपको मुझसे बेहतर पता है कैसे करनी है, ठीक है। और वीडियो पसंद आ जाती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कर ली। अब सपोज़ करो कि मैंने जो ड्राइंग बनानी थी मैंने सब कुछ बना लिया, कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद आप क्या करोगे कि कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर लेना, इसमें जैसे येलो है, ग्रीन है, कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर लेना, और उस कलर को लेकर के आपको क्या करना है, इस पूरे पेज को कलर कर देना है, ठीक है। मतलब जो कुछ भी आप ड्राइंग बनाओगे, मान लीजिए इतने स्पेस में आपका कोई ड्राइंग बना, उसके बाद का जितना भी एरिया बचेगा उसको आप पूरे कलर से एकदम से कलर कर दोगे, इस तरीके से पूरा पूरे के पूरे पेज को आपको कलर करके भर देना है उसको, ठीक है। आप मैजिक फिंगर्स चैनल्स की वीडियोस देखोगे तो आपको बेहतर आइडिया लगेगा। तो ये सब कुछ आपको कर लेना है। जैसे मान लीजिए कि ये ड्राइंग मैंने बना लिया, अब इतना स्पेस खाली है, तो इस पूरे स्पेस को मेरा अगर मन है कि मैं पिंक कलर या फिर ब्लू कलर, जो भी मुझे कलर पसंद है, जैसे मुझे पसंद है ब्लू कलर, मैं ब्लू कलर से पूरा फिल कर दूँ, तो इस पूरे पेज को मैं क्या करूँगा, ब्लू कलर से इस तरीके से फिल करके एकदम से कम्प्लीट कर दूँगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगी। तो अब मान लीजिए आपने आपका ड्राइंग भी कंप्लीट हो गया, आपने इस पूरे पेज को कलर से फिल भी कर दिया, तो आपकी वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब आप क्या करोगे, वीडियो को यहीं पे, मतलब कि वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर लोगे और उसके बाद इसकी एडिटिंग शुरू करोगे, ठीक है। यहाँ पे एक और बात आप सुन लो, जैसे मान लीजिए हमारा ड्राइंग बन गया, ये पेज वगैरह सब कुछ कलरफुल हो गया, तो आप क्या करना, जो कलर्स आपके पास हैं, जो कलर्स आपने यूज किए हैं इस ड्राइंग को बनाने में, उन कलर्स को इस तरीके से आप रख देना साइड में, ठीक है, इस तरीके से आपने रख देना। और जैसा ये है इसी तरीके से एक पिक्चर आप खींच लेना, दो चार पिक्चर्स खींच लेना, और इसी को आप अपने थंबनेल पे लगाओगे। बात समझ में आ गई, इसी को आप अपने थंबनेल पे लगाओगे। तो ये सब कुछ कर लिया हमने, तो अब इसको हम क्या करेंगे, एडिट करेंगे, ठीक है। तो कैसे एडिट करना है वो सब कुछ चलिए अब मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ और सब कुछ आपको वन बाय वन करके सिखाता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये सीखना होगा कि यूट्यूब पे जो ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियोज हैं वो आपको कैसे फाउंड आउट करनी है, यूट्यूब पे या फिर गूगल क्रोम ब्राउजर में, ऐसे जैसे मैं अभी बताऊँगा इसी तरीके से आपको सर्च करना होगा, ठीक है। तो आप यूट्यूब के सर्च बॉक्स में आना, सर्च बॉक्स में आने के बाद आप क्या लिखोगे, ग्रीन आई, यहाँ पे लिख देना ग्रीन, उसके बाद लिखना आप ग्रीन स्क्रीन, ठीक है, ग्रीन स्क्रीन आई एनिमेशन। उसके बाद वीडियो भी लिखोगे आप तो चलेगा, नहीं भी लिखोगे तो आप सर्च करोगे तो उस तरीके से वीडियोज आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए, ये ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियोज हैं, तो इसमें से जो हमें वीडियो चाहिए वो इस तरह की होती हैं, यहाँ पे ये जो वीडियो दिख रही है इस तरह की, ठीक है। इसको इस तरीके से अगर आप स्किप करके देखोगे तो वो देखिए ये आई इसमें है, तो यही फुटेज हमें अपनी वीडियोज में लगानी है ताकि थोड़ी वीडियो हमारी अट्रैक्टिव लगे। और अगर आप चाहो तो बिना इसके भी एक सिंपल सी वीडियो बना करके भी अपलोड कर सकते हो, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी चीज़ें पसंद है, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल बता दिया कि कैसे सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। तो आपने ये वीडियो फुटेज देख ले, इसको कैसे सारी चीज़ें करनी है तो वो आप
तरीका फाइंड आउट कर लेना आपको मिल जाएगा, या फिर मेरे कोर्स को ज्वाइन करोगे तो उसके थ्रू भी आपको ये बातें पता चल जाएंगी, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। तो ये बस एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको समझा दिया। तो अब आपको करना क्या है कि आपको डायरेक्ट जाना है वीएन एडिटर के अंदर और वहाँ पर जा करके आपको सारी वीडियोज एडिट करनी है। तो वो सब कुछ कैसे करना है, चलिए वो सारी चीज़ें वन बाई वन करके सीख लेते हैं। तो मैंने अपने स्मार्टफोन में वीएन एडिटर ओपन कर लिया है। और यहाँ पर एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहो तो अपनी वीडियोज़ में किसी भी तरह का और एनिमेशन कैरेक्टर का भी यूज कर सकते हो। कहीं पे भी वीडियो में कॉर्नर पे लगा दिया जो कि किड्स को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये भी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो। मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बता दिया, आप चाहो तो ये भी ट्राई कर सकते हो। तो मैंने वीएन एडिटर ओपन किया, उसके बाद यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना आप, ठीक है। प्लस पे क्लिक करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद वीडियो पे क्लिक करोगे। वीडियो पे क्लिक करने के बाद आपको जो भी वीडियो एडिट करनी हो उस वीडियो को सिलेक्ट करोगे। तो मुझे ये वाली वीडियो एडिट करनी है, इस वीडियो को हमने इस तरीके से टच करके सिलेक्ट कर लिया, एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। हमारी वीडियो यहाँ पे लेयर पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब देखिए हमारी वीडियो यहाँ पे आ गई है। तो आपको यहाँ पे दो बातें याद रखनी है। पहली बात कि यहाँ पे जैसे ही लेयर पे आप आओगे तो इस तरीके से स्क्रॉल करके लास्ट में आप आओगे एकदम से वीडियो के लास्ट हिस्से पे, और उसके लास्ट हिस्से पे एक ब्लैक हिस्सा अलग से ऐड होता है, ये वाला, इसको सिलेक्ट करोगे आप और इसको डिलीट कर दोगे, ठीक है। अब स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाना और ऊपर ओरिजिनल पे क्लिक करना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद 16:9 जो रेशियो है इसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। ये दो चीज़ें करने के बाद अब नेक्स्ट जो स्टेप्स होंगे वो ये कि अगर आपने अपनी वीडियो में खुद की आवाज़ दी हुई है, खुद की आवाज़ अगर आपने मान लीजिए अपनी वीडियो में दी है तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने आवाज़ नहीं दी है, सिर्फ आपको बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है, तो वीडियो को इस तरीके से सिलेक्ट करोगे आप, वॉल्यूम पे क्लिक करना सिलेक्ट करने के बाद, और इस ये जो 100% है इसको आप जीरो पे कर दोगे और टिक मार्क करोगे। अगर आपको अपने वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ अप्लाई करना है तो, और अगर आपने आवाज़ दी है तो ऐसा कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत। ये स्टेप्स हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि पहले आप अपनी वीडियो को लेयर पर आने के बाद इस तरीके से प्ले करना, ठीक है। प्ले करोगे तो आपकी वीडियो वन बाई वन करके चलती रहेगी, आपने जो जो वीडियो में चीज़ें करी होंगी। तो आपको पहले ये देख लेना है कि आपको अपनी वीडियो में कौन कौन से हिस्से को कट करके निकालना है, ठीक है। जो भी हिस्सा आपको अपनी वीडियो में कट करना हो इस तरीके से स्क्रॉल करके वहाँ पर आप आ सकते हो, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर आ गया, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद मुझे ये हिस्सा नहीं चाहिए, जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हिस्सा नहीं चाहिए, तो यहाँ पे इस तरीके से कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे स्प्लिट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना, ये कट गया। अब मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हिस्सा मुझे नहीं चाहिए, तो फिर यहाँ पे भी स्प्लिट करूँगा, ठीक है, और इस बीच वाले पार्ट को इस तरीके से सिलेक्ट करना, डिलीट कर देना। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से जो भी बेकार पार्ट्स होंगे आपके वीडियोज के उन्हें सेलेक्ट करके आप डिलीट कर दोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो ये कि आपको अपनी वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना होगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करना, ठीक है, म्यूजिक पे क्लिक करना, ठीक है, और जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक आपने डाउनलोड करके रखा हुआ है उसको यूज करोगे। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल पे अगर आप विजिट करोगे तो कार्टून एनिमेशन वाले बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे डाउनलोड करने हैं, साउंड इफेक्ट्स कैसे डाउनलोड करने हैं, इन पर मैंने वीडियोज़ बनाई हुई है, उनको आप देख लेना तो आपको आइडिया लग जाए कि कैसे सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। तो ये रहे यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक्स। तो इनमें से मान लीजिए मुझे जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक पसंद है, जो भी मुझे अच्छा लगता है, उसको मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं ये बैकग्राउंड अप्लाई करता हूँ, मैं चूज पे क्लिक करूँगा, ठीक है। चूज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टिक मार्क कर दूंगा। अब यहाँ पे दो बातें आप समझ लो, अगर आपने अपनी वीडियो में अपनी वॉइस दी है और उस दौरान आप अगर बैकग्राउंड म्यूजिक लगा रहे हो तो इसकी जो वॉल्यूम है इसको आप क्या करोगे, 10-12% के बीच में रखोगे, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आपने ऐसी वीडियो बनाई है जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक ही अप्लाई करना है, तब इसकी वॉल्यूम 100% रहेगी। उसके बाद यहाँ पे टिक मार्क कर देना। जैसे ही टिक मार्क कर दोगे ये ऊपर अप्लाई हो गया, ठीक है, ऊपर आपको दिख रहा होगा ये अप्लाई हो चुका है, ठीक है। अब मान लीजिए हमारी वीडियो 3 मिनट की है और ये बैकग्राउंड म्यूजिक 3:30 की है, तो यहाँ पे आप आ जाना, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आप क्या करना है, यहाँ पे फिर से यहाँ पे इस तरीके से टच करना, जैसे देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ पे ऐसे टच करना, म्यूजिक पे क्लिक करना, ठीक है, और जो म्यूजिक अपने सेम टू सेम लगाया है उसी को फिर से सिलेक्ट करना, या फिर आप चाहो तो बदल भी सकते हो। तो मैंने वही म्यूजिक यहाँ पे चूज किया, टिक मार्क किया, ठीक है, वो म्यूजिक यहाँ से फिर से अप्लाई हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा कि बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे अप्लाई करना है। ये बातें आपने समझ ली, ठीक है। अब बैकग्राउंड म्यूजिक भी हमने लगा लिया और साउंड इफेक्ट्स कैसे लगाने हो, तो सेम स्टेप्स हो गए। जैसे साउंड इफेक्ट्स तो पूरी वीडियो में होंगे नहीं, कहीं कहीं होंगे। जैसे मान लीजिए मेरी वीडियो स्टार्टिंग से यहाँ से चल रही है, अब मुझे यहाँ पे साउंड इफेक्ट्स लगाने होंगे, तो मैं यहाँ पे आकर वीडियो को पॉज करूँगा, ठीक है। उसके बाद फिर से क्या करूँगा, म्यूजिक पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे म्यूजिक पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे आपने अपने फ़ोन में जो भी साउंड इफेक्ट्स डाउनलोड करके रखे होंगे उनको सिंपल से इस तरीके से चूज पे सिलेक्ट करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टिक मार्क कर देना। जैसे टिक मार्क करोगे वो साउंड इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है।
तो ये सब कुछ तो अब आपने कर लिया। अब बात आती है मेन जो पॉइंट है हमारा, उसमें जब वीडियो को एनिमेट करना होगा तो इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे, हम स्क्रॉल कर रहे हैं हमारी वीडियो, जैसे मैंने यहाँ से ड्राइंग बनाना स्टार्ट किया है, तो वो जो वीडियोज होती हैं उसमें क्या होता है कि जो पार्ट उन्होंने बनाया हुआ है, जैसे इसमें मैंने फर्स्ट पार्ट ऊपर में बनाया, ठीक है, तो उसमें जो पार्ट जो बनता है, जो भी स्केच बनाए जाते हैं, तो उसका उसमें जो आँख का हिस्सा होता है उसको पहले बना दिया जाता है, और उस एरिया में हमेशा ही वो आँख एनिमेट होते रहता है। तो पहले आपको उस एरिया को कंप्लीट कर लेना है। तो मैं बस एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ सारी चीज़ें। जैसे देखिए, मैंने ये घर यहाँ पे कंप्लीट किया है, ठीक है, तो यहाँ से मेरा घर कंप्लीट है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें मुझे यहाँ से आई अप्लाई करनी है, आँख लगानी है, तो उसके लिए मैंने वीडियो फुटेज डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पे आने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करना, इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद वीडियो पे क्लिक करना, ठीक है। मैं वीडियो सेक्शन में आ गया, मैंने ये वीडियो डाउनलोड की थी, यहाँ पे ये वीडियो है, इसको मैंने टच किया। अब जैसे ही इस वीडियो को टच करूँगा वो लेयर पर आ गई, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने देख लेना है कि हमारी जो आई है वो कहाँ से है, ठीक है, मतलब कि जो आँख है वो कहाँ से आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से आ रही है, मैं इसको देख लूँगा, आप प्ले करके देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो जो फालतू का हिस्सा होगा उसको आप यहाँ पर डिलीट कर दोगे, ठीक है। तो मैं इस तरीके से करके देख ले रहा हूँ, ठीक है। तो ग्रीन स्क्रीन मेरा यहाँ से आ रहा है, इस वीडियो में ग्रीन स्क्रीन यहाँ से आ रहा है। इसको इस तरह से टच करेंगे, इसके बाद स्प्लिट पे क्लिक करेंगे और इसी से टच करके डिलीट कर देंगे। अब इसको इस तरीके से क्लिक करना है। आप क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इधर इस तरीके से स्क्रॉल करना है आप, ठीक है। इस तरीके से स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको क्रोमा का, क्रोमा पे क्लिक करना और इसको इस तरीके से घुमा देना, ठीक है। ऐसे घुमाओगे तो इसका क्रोमा की इरेज हो गया, बैकग्राउंड मतलब जो ग्रीन था वो इरेज हो गया, इसको टिक मार कर दिया। अब मैं इसको एकदम से छोटा करूँगा, मतलब मेरी जो ड्राइंग है उसमें इसको सेट कर दूँगा, समझ में आ रही बात, उसमें सिंपल से इसको मैं सेट कर दूँगा। अब मेरी ये जो ड्राइंग है इसमें तो उस तरह का मैंने कुछ बनाया नहीं है, बट इसमें मैं इसको छोटा करके चाहूँ तो इसके ऊपर वाले पार्ट में इसको सेट कर सकता हूँ ड्रैग करके, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, इसको मैं अच्छे तरीके से सेट कर लेता हूँ, आप अपना मिला लेना कहाँ पे वो चीज़ें हो रही हैं जहाँ पे आँख रहना चाहिए। मैं बस ऐसे ही कर रहा हूँ रैंडमली। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे आँख अप्लाई कर दी, अभी मैं जस्ट इस वीडियो को प्ले करूँगा। पहले आप क्या करना, जो वीडियो आपने डाउनलोड कर ली है उसको इस तरीके से टच करना, हो सकता है कि उसमें आवाज़ें दी गई हों, उसको टच करके उसके वॉल्यूम को आप जीरो कर दें। तो वॉल्यूम कैसे जीरो करना होता है मैंने बताया है, वॉल्यूम पर टच करना, ठीक है, और इसकी वॉल्यूम ऑलरेडी यहाँ पे जीरो ही है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब देखिए मैं अभी यहाँ पे वीडियो को प्ले करता हूँ, ये वीडियो हमारी चल रही है इस तरीके से, यहाँ पे मैंने ड्राइंग्स बनाई। अब उसके बाद मैंने देखिए यहाँ पे आई अप्लाई कर दी, तो ये देखिए यहाँ पे ये आई ऑटोमेटिक शो हो रही है, देखिए आई एनिमेट भी हो रही है, मैं साइड से चीज़ें भी कर रहा हूँ और आई कंटिन्यू एनिमेट भी हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से मैजिक फिंगर्स आर्ट चैनल के सारी चीज़ें की गई हैं। तो आपको बात समझ में आएगी, देखिए मैंने यहाँ पे किस तरीके से आई अप्लाई करी है, ठीक है। तो जहाँ पे भी आँख लगाना हो वो आँख लगा देना, या फिर मान लीजिए किसी तरीके के व्हील्स हो, व्हील्स आपको लगाने हो, जो भी चीज़ें आपको लगानी हो तो उस तरीके ग्रीन स्क्रीन वाली चीज़ें ढूंढ लेनी है, उसकी वीडियो फुटेज, और उसको आपको अप्लाई कर देना। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने आई अप्लाई कर दिया है, तो इसकी क्वालिटी कुछ अलग ही हो गई है। सेम इसी तरीके से आपको सारी चीज़ें करनी है। अब ये चीज़ें जब आप कर लोगे, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे एक बात और आप समझ लो कि जैसे ये वीडियो है इसमें आई यहीं तक है, तो फिर यहाँ से इसको आगे हमें करना होगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से टच करना, टच करने के बाद डुप्लीकेट पे क्लिक कर देना, और ये जो पार्ट डुप्लीकेट होगा इसको इस तरीके से टच करना, इस तरीके से टच करके इसको इस तरीके से कर देना आगे की तरफ, इधर खींच ड्रैग करके यहाँ पे लाकर लगा देना, सिंपल से वो ऑटोमेटिक वहीं लगाएगा। बात समझ में आ गई। ये सब कुछ जब आप कर लोगे, मान लीजिए कि आपने बैकग्राउंड म्यूजिक हर एक चीज़ अप्लाई कर दी, तो अब देखिए अब आपकी वीडियो पूरी तरीके से एडिट हो चुकी है, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे हमारी वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो अगर आप चाहो तो इसमें किसी भी तरीके का कोई एनिमेशन कैरेक्टर भी ऐड कर सकते हो। जैसे आप करोगे क्या, सिंपल सा तरीका आपको बता रहा हूँ कि वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पे आप आ जाना, यहीं से मुझे अगर कोई भी एनिमेशन कैरेक्टर लगाना है तो मैं स्टार्टिंग में आ जाऊँगा। यहाँ पे आने के बाद आप क्या करना, इस पे क्लिक करना, इस वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना, स्टिकर्स में जाना। स्टिकर्स में जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, यहाँ पे एलिमेंट्स भी मिलेंगे, ठीक है। एलिमेंट्स पे क्लिक करोगे तो एलिमेंट्स मिलेंगे, यहाँ पे फेवरेट्स मिलेंगे, यहाँ पे एलिमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। एलिमेंट्स में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं, और यहाँ पे जिप फाइल भी मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आप जो चाहो वो अप्लाई कर सकते हो। तो मैं आ गया एलिमेंट्स पे। अब एलिमेंट्स पे आने के बाद एलिमेंट्स में आपको क्या चाहिए, जो भी चाहिए, देखिए यहाँ पे भी आई है, ठीक है। और उसके अलावा आपको और जो भी चाहिए वो आप चाहो तो सर्च कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे कोई बर्ड ही चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया बर्ड, ठीक है, बर्ड सर्च किया तो बर्ड से रिलेटेड यहाँ पे स्टिकर्स मुझे देखने को मिलेंगे। देखिए कितने सारे स्टिकर्स आ गए। तो मैं इनमें से किसी को भी चाहूँ तो यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, मतलब यहाँ पे लगा सकता हूँ, ठीक है। जैसे ये स्वान है, इसको मैंने टच किया, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसको अगर चाहे तो आप इस तरीके से ड्रैग करके यहाँ पे लगा सकते हो, और यहाँ पे इस तरीके से ड्रैग करके इसको खींच करके पूरी वीडियो में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे स्वान भी आ गया।
यहीं पे जस्ट इसको मैंने सेलेक्ट करके, अगर आपको नहीं चाहिए तो डिलीट कर दोगे। एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, फिर से यहाँ पे मैंने क्लिक किया, स्टिकर पे क्लिक किया और मैं जीफी पे आ गया। अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो एनिमेट होती हैं, तो जीफी भी आप सर्च कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे फिर से सर्च करता हूँ बर्ड सर्च किया मैंने, अब मान लीजिए इसमें देखिए उड़ती हुई बर्ड आ गई, ठीक है, तो इसको मैंने टच कर लिया। तो इसको अगर आप अपनी वीडियो में लगाओगे तो आपकी वीडियो और ही यूनिक बन जाएगी, कुछ अलग ही लेवल की हो जाएगी, ठीक है। इसको हम टच करेंगे, जहाँ पे भी आपको लगाना है वहाँ पे आप लगा दो। जैसे मुझे इसको यहाँ पे मैं चाहता हूँ लगाना, इसको भी इस तरीके से टच करना और इसको ड्रैग करके आप पूरी वीडियो में अप्लाई कर देना, जहाँ तक आपकी वीडियो है वहाँ तक इसको इस तरीके से ड्रैग करके आप अप्लाई कर देना, ठीक है। और डुप्लीकेट भी कैसे करना है वो भी मैंने बताया, तो वो भी आप कर लोगे, ठीक है। तो अब स्टार्टिंग पॉइंट पर अगर मैं वीडियो को प्ले करूँगा तो हमारी वीडियो इस तरीके से चलेगी। जो भी स्टेप्स मैंने किए हैं वो सारे स्टेप्स यहाँ पे होंगे, और हमने जो देखिए जो बर्ड लगाई वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गई, पूरी वीडियो में हमारी ये बर्ड उड़ती ही रहेगी, ठीक है। अगर आप चाहो तो बर्ड का साउंड इफेक्ट भी लगा दोगे तो ये वीडियो और ही बेहतर हो जाएगी। तो मैंने सारे स्टेप्स अभी आपको बता दिए कि कैसे सारी चीज़ें करनी है, इस तरीके से अपनी वीडियो को आप पूरी तरीके से एडिट कर लोगे। उसके बाद एडिट करने के बाद यहाँ पे ऊपर ब्लू आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे टिक मार्क पे क्लिक कर देना, आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होनी शुरू हो जाएगी। और जब आपकी वीडियो एक्सपोर्ट हो जाए तो उसको अपने चैनल पे आप अपलोड कर दोगे एक अच्छा सा थंबनेल लगा करके, और अपने चैनल पे आप रेगुलर वर्क करोगे, ठीक है। और इसी VN एडिटर का मैंने एक कोर्स भी लॉन्च किया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप चाहो तो मेरे कोर्स को ज्वाइन करके और भी बेहतरीन लेवल की एडिटिंग करना सीख सकते हो। तो अब आपने ये सीख लिया कि कैसे वीडियो को रिकॉर्ड करना है, कैसे एडिट करना है, ये सब कुछ आपने सीख लिया। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा आपकी वीडियो का थंबनेल, यानी कि आपने जो वीडियो बनाई है उसके लिए एक परफेक्ट थंबनेल तो चाहिए ही चाहिए। तो थंबनेल के लिए क्या करना है, आप जब जो ड्राइंग बना रहे होगे वो ड्राइंग जब बन करके कंप्लीट हो जाएगी, मान लीजिए कि आप जो ड्राइंग बना रहे हो, मान लीजिए कि आपने एलिफेंट बनाया, ठीक है, तो एलिफेंट जब बन करके कंप्लीट हुआ, ठीक है, तो उसी की पिक्चर लेनी है। इट मीन्स कि एलिफेंट बन करके कंप्लीट हो गया है, उसके पास आपने कलर्स रख दिए और उसकी पिक्चर ले ली, मतलब एलिफेंट को कलर नहीं करना है, कलर करने से पहले ही उसकी एक अच्छी सी पिक्चर 2000 खींच करके आपको रख लेनी है, उसी को आपको अपने थंबनेल के रूप में यूज कर लेना है, बस, ठीक है। थंबनेल पे इतना ही काम करना है, कोई टेक्स्ट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, बस पिक्चर आपने लगा दी, बात खत्म हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्टेप्स आपको करने हैं। इसके साथ साथ आपको अपने चैनल पे रेगुलर वर्क करना होगा, ठीक है, मतलब कंटिन्यू वर्क करोगे। अगर आपने मान लीजिए किस तरह का चैनल स्टार्ट किया और अपने चैनल पे कम से कम 50 से 60 वीडियोज पोस्ट कर देते हो, इतनी मतलब कि इतनी वीडियोज आपके चैनल पे पोस्ट होते होते आपका चैनल अच्छा खासा ग्रो कर जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो इस तरह का चैनल स्टार्ट करना, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जरूर स्टार्ट करो, ज़्यादा टाइम मत लो, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट भी नहीं है और आसानी से ये चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। और जो भी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई, जो भी डिटेल्स अभी तक आपको एक्सप्लेन किए हैं, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके माइंड में रह जा रहे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।